सो फाइनली नेटफ्लिक्स पर कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 जो कि रिलीज हो चुका है, काफी लोगों ने देख भी लिया और काफी लोगों को पसंद भी आया है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो उन फैंस के ऊपर होने वाली जो कि वेट कर रहे कोटा फैक्ट्री सीजन 3 को लेकर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मनीष अजम बात करने वाले कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के बारे में, नजर डालें उसके आने की पॉसिबिलिटीज पर, डिस्कस करेंगे उसकी स्टोरी कास्ट रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। दोस्तों आपको कोटा फैक्ट्री सीजन 1 और 2 पसंद आया था तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं दोस्तों ऐसी मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट्स लेने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि सीजन 3 तभी देखने को मिलेगा जब उन्हें कोटा फैक्ट्री सीजन 2 में काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वहीं दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, कोटा फैक्ट्री टेलीविजन सीरीज का एक अलग ही फैन बेस बना हुआ है, जहाँ पर सीजन 1 के बाद सीजन 2 भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया है। तो कोटा फैक्ट्री सीजन 3 जो कि कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर सीजन होने वाला है, जहाँ पर आपको काफी ज्यादा इमोशंस देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो सीजन 3 को भी राघव सुब्बू डायरेक्ट करते नजर आने वाले और प्रोड्यूस करता नजर आएगा टीवीएफ ओरिजिनल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, सीजन 3 में आपको 6 से 8 एपिसोड देखने को मिलने वाले जो कि 45 घंटे के बीच में होने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक-एक करके क्लियर करते हैं सीजन 3 के सारे डाउट्स। तो दोस्तों सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सीजन 3 की स्टोरी के बारे में। दोस्तों सीजन 3 की स्टोरी भी काफी यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड होने वाली, जहां पर सीजन 3 की स्टोरी सीजन 2 से ज्यादा एडवेंचरस होने वाली है। मैं दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि आपने एंड में देखा था कि सीजन 2 के जहां पर जीतू भैया की कोचिंग सेंटर से टॉपर नहीं होता है, मतलब तो जीतू भैया हमेशा से ही अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते नजर आएंगे। तो सीजन 2 में मेन सस्पेंस ये छोड़ा गया है कि जिसमें एक बच्चा सुसाइड कर लेता है, कौन बच्चा सुसाइड करता है और जीतू भैया किस तरीके से अपनी कोचिंग को रीस्टैब्लिश करता है, यही मेन कंसेप्ट प्लॉट होने वाला है सीजन 3 का। तो कुल मिला के सीजन 3 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। दोस्तों आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूले। मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते सीजन 3 की स्टार कास्ट के बारे में। तो सीजन 3 की स्टार कास्ट भी मोस्टली सेम होने वाली, जहां पर आपको वैभव पांडे, जीतू भैया, मीना, वटिका रतवाल और उदय गुप्ता एक लीड रोल में नजर आने वाले हैं। जैसे आप वैभव पांडे और जीतू भैया में से किसके बिग फैन हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूले। मैं जैसे वीडियो में आगे बढ़ते बात करते सीजन 3 की रिलीज डेट के बारे में। मेकर्स की तरफ से सीजन 3 की रिलीज से रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पोर्टल और लेटेस्ट अपडेट्स को देखते हुए सीजन 3 आपको मिड ऑफ 2022 में देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेकर्स ने डिसाइड किया कि सीजन 2 पर उनको काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिलेंगे तभी वो सीजन 3 का काम करना शुरू करेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सीजन 2 काफी लोगों को पसंद आया, तो दोस्तों सीजन 3 भी आपको कंफर्म ही देखने को मिलने वाला है। तो एक बार फिर से तैयार हो जाओ कोटा फैक्ट्री के एक और नए सीजन के लिए जो कि जल्दी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट सीजन 3 को लेकर जो कि मैंने आपको बता दी है। दोस्तों कोई भी नई अपडेट है किसी स्टार कास्ट से रिलीज डेट को लेकर तो दोस्तों आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं दोस्तों वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते होगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.